ये है Nothing Phone 2। तो इस साल फाइनली नथिंग ने अपने फोन से फ्लैगशिप प्रोसेसर डाल दिया, तो आपको इसमें मिल जाता है स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1, जो कि बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है, अच्छा प्रोसेसर है। तो आज हम इसमें करेंगे गेमिंग टेस्ट, देखेंगे फोन कैसा परफॉर्म करता है, कितना हीट होता है, एंड हम इसमें 3 गेम ट्राई करेंगे जो कि एसफॉल 9, गेंशिन इंपैक्ट एंड BGMI है। इस फोन का जो प्राइसिंग है वो लगभग मेरे हिसाब से 44,000 to 45,000 होने वाला है, पर जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक प्राइसेस शायद आउट हो जाएंगे। तो अगर आपको देखना फोन कैसा परफॉर्म करता है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, लेकिन उससे पहले जागरण पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन भी जरूर दबाएं। मेरा नाम आयान, आप देख रहे हैं जागरण प्ले। तो गेमिंग टेस्ट स्टार्ट करने से पहले इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। आपको 6.7 इंच की ओलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसका रेफ्रेश रेट है 120Hz। साथ ही में आपको HDR 10 प्लस का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। आपको फोन में स्टेरियो स्पीकर्स भी देखने को मिलता है, जिसका प्रोसेसर है वो है स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 का प्रोसेसर। साथ में जो मेरा वेरिएंट है आपको इसमें 512GB की UFS 3.1 की स्टोरेज देखने को मिलती है विद 12GB की रैम। साथ ही में आपको इसमें ग्लिफ इंटरफेस देखने को मिल जाता है, जो कि नथिंग फोन को एक स्पेशल बनाता है। तो स्टार्ट करते हम लोग अपनी गेमिंग टेस्ट से। पहली गेम हमारी वो है एसफॉल 9। तो गाइस हमारे फोन में भी 99% की बैटरी है। अगर फोन का टेम्परेचर देखो तो 29 डिग्री सेल्सियस पे हमने इस पे स्टार्ट करे टेस्ट। पहली गेम स्टार्ट करते जो कि हमारी एसफॉल 9 है। तो गाइस एक और चीज मेरे को इस फोन की अच्छी लगी कि आपको इसमें एक डेडिकेटेड गेम मोड भी देखने को मिल जाता है। आपको इसमें FPS मेजर भी आप कर सकते हो इस फोन से। ये चीज मेरे को iQOO Neo 7 Pro में देखने को नहीं मिली थी, जो कि मेरे को बहुत ऑड लगा था, क्योंकि वो एक गेमिंग फोन है, ये थोड़ा सा लाइक प्रीमियम फोन है। तो हम लोग वो भी देख लेते हैं। अगर आपको इन दोनों फोन का कंपैरिजन देखना मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, मैं इसका कंपैरिजन जल्दी लेके आऊँगा। गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे को FPS मेजर भी देखने को मिल रहा है कि हमारी गेम्स कितने FPS पे चल रही है। यहाँ पे 48-50 FPS दिखा रहे हैं, 60 FPS। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी मेरे को Nothing Phone 2 की। ये हमारे को गेमिंग फोन में देखने को नहीं मिला था, ये काफ़ी सही चीज़ लगा मेरे को। तो हमारा फोन हाई क्वालिटी एंड 60 FPS सपोर्ट करता है, जो कि बहुत ही बढ़िया। फ्लैगशिप प्रोसेसर है इतना तो पता था। करते हम लोग इसमें 3 रेस खेलेंगे एंड देखेंगे फोन कितना हीट होता है एंड कैसे परफॉर्म करता है तीनों रेसेस में। स्टार्ट करते हैं हमारी पहली रेस से। तो गाइस हमारी पहली रेस स्टार्ट होने वाली है एंड जो इसके स्पीकर थे वो काफ़ी अच्छे, थोड़े से लाउड है एंड बाकी जो स्पीकर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। थोड़े से मेरे को लगे कि डिस्टॉर्टेड है हाई वॉल्यूम में, बट अगर आप इसको 70% में यूज़ करेंगे आपको अच्छी आवाज़ आएगी, क्लियर आवाज़ आएगी। स्टेयर स्पीकर देखने को मिलते जो कि बहुत ही बढ़िया है एंड इसके डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छी, काफ़ी ब्राइट एंड काफ़ी पंची कलर्स आपको देखने को मिलते थे। ओलेड डिस्प्ले तो वो भी अच्छी बात है, साथ में आपको 120Hz के। अगर हम लोग परफॉर्मेंस की बात करें 60 FPS चल रही है, ऐसे कोई लैग या फिर मेरे को कोई स्टटर लैग देखने को नहीं मिल रहा गेम में। तो गाइस हमारी पहली रेस खत्म हो गई, हम बाकी की दो रेसेस भी कंप्लीट करते हैं, देखते हैं फोन कितना बैटरी ड्रेन हुआ है एंड कितना हीट होता है। तो गाइस हमारी दूसरी रेस भी स्टार्ट हो गई है एंड ऐसे मेरे को अभी तक कोई फोन में हीटिंग देखने को नहीं मिल रहा, फोन अच्छा परफॉर्म कर रहा है एंड मेरे को जरा भी स्टटर लैग देखने को नहीं मिल रहा। तो गाइस हमारी तीनों रेसेस कंप्लीट हो चुके हैं, ऐसे मेरे को तीनों रेसेस में फोन में कोई भी लैग देखने को नहीं मिला। मेरे को हल्का सा जो बिल्कुल लाइट हीटिंग है मेरे को यहाँ पे थोड़ी सी फील है, बाकी ऐसे कोई लैग देखने को मिला। अगर हम फोन की बैटरी की बात करते हैं यहाँ पे अभी फोन की बैटरी 97% है, 2% का ड्रॉप देखने को मिला एंड टेम्परेचर की बात करें तो फोन का टेम्परेचर 36°C पे। बढ़ते दूसरी गेम की जो कि हमारी गेंशिन इंपैक्ट है। तो गाइस हमारी गेंशिन इंपैक्ट खुल गई, जल्दी से हम लोग इसमें देखते हैं हमारे को कौन से सेटिंग्स देखने को मिलते हैं। अभी हम लोग अपने जो ग्राफिक सेटिंग्स है हमारे सारे हाई पे हैं, हमने सब चीज़ हाई पे कर रखे, FPS 60 पे कर रखे एंड सब चीज़ हाई पे, हमने कुछ भी छेड़ा नहीं एंड हमारे को जो परफॉर्मेंस है सही देखने को मिल रही है, ऐसे कोई लैग देखने को मिल रहा है, फोन स्मूथ चल रहा है, हल्का बुल्का थोड़ा सा लैग देखने को मिल सकता है आपको। गेंशिन इंपैक्ट बहुत ही हैवी गेम है, आपको स्टोरेज ऐसी हैवी है, आपको ये 20GB की कुछ गेम देखने को मिलेगी तो एंड जिसका परफॉर्मेंस वो भी काफ़ी लाइक लोड लेता है फ़ोन जब इसको आप रन करते हो, तो काफ़ी आराम से ये फ़ोन हैंडल कर पा रहे हैं, ऐसे कोई लैग देखने को मिल रहा है। एंड साथ ही में गाइस आपको इस फ़ोन में एक गेमर डैशबोर्ड भी देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। यहाँ से अपने FPS आप देख सकते हो कि आपको कितने FPS देखने को मिल रहा है, आप डू नॉट डिस्टर्ब इनेबल कर सकते हो, स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो एंड स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो। साथ ही में आपको यहाँ पे एक ऑप्टिमाइजेशन मोड भी देखने को मिलता है, जो कि इस गेम में अवेलेबल नहीं है, थोड़ी बहुत गेम्स अवेलेबल होगा एंड यहाँ से आप अपने YouTube पर भी लाइव जा सकते हो। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी मेरे को इस फ़ोन की। थोड़ा बहुत इसमें गेंशिन इंपैक्ट खेलते हैं, देखते हैं फोन कैसा परफॉर्म करता है। तो गाइस हमने इसमें 5 मिनट तक गेंशिन इंपैक्ट खेला एंड ऐसे मेरे को गेम में एक्सपीरियंस लैग देखने को नहीं मिला, गेम फोन ने अच्छे से गेम हैंडल करा, बट यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा गर्म होता हुआ देखा, फोन हीट हुआ थोड़ा सा एंड आप जब खेलेंगे तो आपको फील होगा कि फ़ोन गर्म हो रहा है। एंड FPS की बात करें तो आपका फ़ोन 55 to 60 FPS पे चलेगा एंड ऐसे इतना कोई लैग देखने को नहीं मिलेगा फोन में, फोन ने गेम को अच्छे से हैंडल करा। तो जिसकी बैटरी वो 93% पे ही है एंड जिसने का जो फ़ोन का टेम्परेचर वो बढ़ चुका है 42°C पे हो चुका है। तो गाइस करते हमारी जो लास्ट गेम उसको टेस्ट, जो कि हमारी BGMI। तो गाइस हमारी आखिरी गेम जो कि BGMI वो खुल चुकी है, हम लोग इसे ग्राफिक्स जल्दी से देख लेते हैं हमारे को क्या क्या देखने को मिलता है। जो HDR Extreme ये फ़ोन सपोर्ट करता है, साथ ही अल्ट्रा HD भी सपोर्ट करता है, बट आई वोंट रिकमेंड अल्ट्रा HD पे खेलो क्योंकि आपका फ़ोन ज़्यादा ही गर्म होगा एंड इतने 60 FPS देखने को मिलेंगे तो आप
HDR एक्सट्रीम में खेल सकते हो, पर मोस्ट ऑफ द गेम स्मूथ एक्सट्रीम में खेलते हैं। मैं इस टेस्ट में इसमें HDR एक्सट्रीम खेलूंगा, मैं इसमें सनॉक में दो बार लैंड करूंगा, बूट कैंप में जाऊंगा, देखूंगा कि ज़्यादा प्लेयर जब लैंड करते तो फोन कितना लैग होगा, रेंडर लैग कितना होगा। साथ ही मैं उसके बाद में एक TDM खेलूंगा टू फाइनलाइज द मेरा ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा BGMI खेलते वक्त। तो स्टार्ट करते हमारे पहले मैच जो कि सनॉक का मैप में। तो गाइस आप देख सकते कितने ज़्यादा लोग हैं, एंड ऐसे मेरे को उतरते वक्त तो कोई लैग देखने को मिल रहा है, 60 FPS पे चल रहा है, 55-50 जैसे मेरे लाइक लैंड करते हैं पास आ रहे हैं, FPS थोड़े से ड्रॉप हो रहे हैं। एज सच मेरे को बूट कैंप उतरने में लैग देखने को नहीं मिला, फोन हीट अप होता है देखने में को, स्पेशली कैमरा साइड में मेरे को फोन गर्म दिख रहा है। तो गाइस हमारी पहला मैच खत्म हो चुका है, दूसरा मैच भी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फोन कितना लैग होता है। मैं मर गया। तो हमने दोनों मैचेस खेले, अब TDM खेलेंगे। ऐसे मेरे को दोनों मैचेस में कोई एक्सपीरियंस देखने को नहीं मिला लैग का, फोन ने इजीली हैंडल करा। मेरे को बीच में 55-50 FPS देखने को मिला, ऐसे और कोई ड्रॉप देखने को नहीं मिला। जल्दी से हम लोग TDM खेलते हैं एंड अपना मैं फाइनल वर्डिक्ट दूंगा। तो कैसे अब हमारा TDM स्टार्ट हो चुका है, एंड अगर फोन की परफॉर्मेंस की बात करें तो ऐसे कोई लैग देखने को नहीं मिल रहा मेरे को फोन में। अगर हम लोग FPS की बात करें तो गाइस वही 58-60 FPS चल रहा है, ऐसे कोई मेरे को लैग देखने को नहीं मिल रहा। तो कैसे हमारा मैच खत्म हो गया, एंड ऐसे मेरे को मैच में एक्सपीरियंस मेरे को कोई लैग देखने को नहीं मिला, फोन बढ़िया परफॉर्म करा। एंड अगर मैं तीनों गेम की ओवरऑल बात करूँ तो फोन ने बढ़िया ही परफॉर्म करा तीनों गेम्स में। अगर हम लोग इसकी बैटरी की बात करें तो यहाँ पे फोन का बैटरी अभी 89% है एंड टेम्परेचर 40 degrees है। खेलते वक्त मेरे को थोड़ा सा फोन गर्म देखने को मिला, यहाँ पे फोन मेरे को थोड़ा सा गर्म देखने को मिला, बाकी फोन ने बहुत ही प्यारे तरीके से गेमिंग हैंडल करी। तो फोन काफ़ी बढ़िया, काफ़ी प्रीमियम है, अगर आपको इसमें गेमिंग करनी आप आराम से कर सकते हो। अगर आपको इस फोन का कोई कंपैरिजन देखना है अगर iQOO 9 प्रो या फिर नॉट 3 के साथ, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। जागरण प्ले को मैं मिलूंगा आपके लिए वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड प्ले गेम्स।